तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं आज मेरे अंकल को छूऊंगा नहीं। बिल्कुल सही बोला, उस विलन को बिल्कुल मत छोड़ना, लेकिन उससे पहले खाना तो खा लो। आज मूड बहुत खराब है सोनामी। क्यों मूड नहीं है? अरे मूड नहीं है क्यों भाई, क्यों मूड नहीं है? अगर मूड नहीं तो खाना खा लो, मूड ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर तुम दोनों खाना खाओगे तो उसके बाद हलवा मिलेगा। हलवा? ये तो इन दोनों का फेवरेट है। अब तुम देखना जय और वीरू ये हलवा कैसे चट कर जाएंगे। नहीं चाहिए। वो रिक्की अंकल कितने बुरे, सबको परेशान किया उन्होंने। तो रामी आप मुझे रोकना मत, क्योंकि मैं उन अंकल की बहन बनाने वाला हूँ। जग्गी जी देखिए ना ये बच्चे किस तरह से बात कर रहे हैं। आप लोग भी तो उनसे बोले, तो फिर आपको क्या क्या बोला उन्होंने? और नहीं तो क्या, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अब तो उसकी बैच बचा के ही रहेंगे। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू राइट नाउ, जस्ट गेट मी आउट ऑफ हियर, या इस जू से मुझे बाहर निकाल। लाइक एक्चुअली एवरीबॉडी इज क्रेजी आउट हियर मैन, एंड जस्ट गेट मी बैक टू सिंगापुर मैन। I'll call you later. Now what? Can't you leave me alone? यहाँ पे प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? अब तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ बेटा। तुमने कुछ खाया ही नहीं है। ये सारा खाना तुम्हारे पापा की पसंद का है। पापा मतलब जो मेरे बेटे अहम को पसंद था वैसा ही खाना तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूं, खा लो। What पापा? What the hell are you talking about? खाना चक्कर तो देखो कि कैसा बनाया मैंने। Oh gosh, just stop it right now! मैंने आपसे कहा मुझे ये नहीं खाना है, and leave me alone right now. मैं एक घंटे से आपसे बोले जा रहा हूं मुझे नहीं खाना है। हाँ, just leave me alone right now. Leave. खाना खाने का तुम्हें मन नहीं है तो बाद में खा लेना। ये जूस पी लो। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि अचानक से तुम हम सबके बीच आ गए तो तुम्हें अटपटा लग रहा है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे साथ हमारे अपने परिवार में रहोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें अपनापन महसूस होने लगेगा। तुम बिल्कुल अपने पापा अहम पर गए। अहम के तो नाक पर गुस्सा बैठा रहता था। आप ये गुस्सा छोड़ो और ये जूस पी लो। मैं तुम्हें अपने हाथों से पिला। Can't you understand? मुझे ये जूस नहीं पीना है, नहीं पीना है। Just leave me alone. हे भगवान माँ जी, ये सब क्या है, क्या हुआ यहाँ? नहीं आती तुम्हें? हाँ, क्या क्या ये सब, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी के साथ इस तरह से बर्ताव करने की? ये मुझे तब से फोर्स करे जा रही है, खाना खा लो, और मैंने मना करे जा रहा हूँ मुझे खाना नहीं खाना। उसी बीच मेरा हाथ इनके सर पे लग गया। सी, इन्हें कुछ लगी भी नहीं है, बेकार में ड्रामा कर रही है यहाँ पे। And please, you guys are making my life hell.
प्लीज आई रिक्वेस्ट दूर रहिए आप लोग मुझसे। टिपिकल इंडियंस। ओए बस उल्टा चोर कोतवाल क्यों डांटे मुझे तो रुक नहीं जगे। इसने जानबूझकर नहीं मारा वो गलती से लग गया। आप चलिए मेरे साथ। एक बात कान खुल के सुन, अब तू यहां अच्छे से रहेगा और तहजीब से रहेगा और सबसे तहजीब से बात करेगा। और अगर तूने थोड़ी सी बदतमीजी की तो बिना डिटर्जेंट के ना इतना धोऊंगा ना तुझे समझ नहीं आएगा। तुझे हम बेटा बना के लेके आए हैं तो बेटा बन के रहेगा, तुझे खाना पीना पैसा सब मिलेगा। और अगर तुझे गुंडागर्दी की तो तुझे फिर खर्चा पानी मिलेगा, समझ गया? This is ridiculous, man. इस सर्कस जैसे घर में मैं इन जोकर्स के बीच में फंस गया। माँ जी अब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। ये लड़का तो हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सच में अब तो हद होगी। उसने माँ जी के साथ ऐसा किया तो किसी और के साथ तो कुछ भी कर सकता है। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। चल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मिलके खबर लेते उसकी। चलो रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा और रमाकांत से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन माँ जी ये गलती उसकी नहीं बल्कि गलती मेरी थी। क्या मासी क्या बोल रही हो? उसे भूख नहीं थी और मैं जबरदस्ती उसे खाना खिलाना चाह रही थी। लेकिन माँ जी ये मैं सही कह रही हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं करेगा। आप जाने दो गोपिका, दुनिया की सारी दादी ऐसी होती हैं, क्योंकि इनको मुद्दत से ज्यादा प्याज पसंद होता है। अपने बच्चों को थप्पड़ मार दिए लेकिन बच्चों के बच्चों को एक लाफा तक नहीं मारती। छोड़ो कोई बात नहीं, कल अहम का जन्मदिवस है। उर्मिला बेन, हर साल की तरह इस बार भी मैंने हवन का आयोजन किया है। हम सब मिलकर मेरे बेटे अहम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे जी। अब जबकि अहम का बेटा रमाकांत भी यहाँ आ गया है तो रमाकांत को भी इस हवन का हिस्सा बनना चाहिए। यदि आप में से किसी ने उसे अब कुछ भी कहा तो बेवजह और ज्यादा परेशान हो जाएगा और हो सकता है कि गुस्से में आकर वो हवन में न शामिल हो, पर ये मैं नहीं चाहती। इसलिए अब रमाकांत से कोई कुछ नहीं कहेगा, समझी गया? Dude, this Nick is an idiot. मैंने उसे बोला था कुछ भी कर, मुझे इस घर से बस बाहर निकाल, but he couldn't do anything. So I'm telling you, you do whatever you want to do, but just get me out of here. No, this is a madhouse. No, you don't get it. मैं अगर एक और दिन इस घर में रहा ना तो I swear to God, मैं पागल हो जाऊंगा। या chill yo, कुछ सोच रहे हैं ना? Think, but just think something really fast. इतने सारे लोग हैं ना इस घर में, you won't believe man. And you know what? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जेल में हूँ। ना ही मेरे पास पासपोर्ट है, ना ही मेरे पास कैश है,
एंड यू नो व्हाट, इस घर में कोई स्मोक तक नहीं करता है. कैन यू बिलीव दैट? आई हैवंट स्मोक्ड इन लाइक एजेस नाउ. जा प्लीज डू समथिंग मैन. देख रिकी, तू अपनी सो कॉल्ड फैमिली वालों की जो स्टोरी बता रहा है ना, उससे तो लगता है उन लोगों ने तुझे वहां परमानेंटली सेटल करने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है. But chill, yo. I have a plan. जिससे तेरा वहाँ का stay थोड़ा comfortable हो जाएगा. But how is that possible? तुम्हारे Indian sources के through मैं तेरे पास कुछ भेजवा रहा हूँ, okay? You'll really like it. उसके बाद तुझे वहाँ से निकालने का भी plan बना लूँगा. Just hold on, huh? झाड़ू मार के डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे. सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस घर से भाग नहीं पाया. अब वापस क्या करने आई हो? मेरे कान में झाड़ू डालोगी, टिकल करोगी मुझे? जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर. गो. यू, आई कॉल यू लेटर. ओके. या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा तुमसे? Did you hear me? I said go. What the fish? Are you deaf? Hello? तुमसे बात कर रहा हूं मैं. लगता है तुम deaf के साथ साथ ना dumb भी हो. Can you tell me क्या चाहिए तुम्हें? What do you want? तुमको हिंदी समझ में नहीं आती? Whatever. तो मुंह से बोल नहीं सकती थी क्या? Just clean it up and just get lost from here. जाओ, करो साफ और निकलो यहां से. I think she's really deaf. एक सिगरेट मिल जाती ना कहीं से. जस्ट क्लीन इट फास्ट एंड लीव. साथ निभाना साथिया. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को.